तो दरअसल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं नॉक्स का लाइसेंस रिलेटेड एरर आ रहा है, और आप अगर साइन इन करना चाहोगे तो यहाँ पे साइन इन हो नहीं पा रहा है। और मैंने इसके बारे में जितना पता किया है तो उससे क्या मुझे पता चला है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आईडी है ना, ये आईडी ज्यादातर लोगों के लिए सेम होती है, बस यहाँ पे जो 5 लिखा है ये नंबर्स चेंज होते हैं, और पासवर्ड ज्यादातर आईडीज के सेम ही होते हैं। तो आपको क्या करना होता है सिंपल से, यहाँ पे जैसे कि ये 5 है, अगर मैं इसको क्या करूं यहां से इसको चेंज कर दूं, अभी ये 5 वाली आईडी पे यहाँ पे एरर आ रहा है ठीक है, बट अगर मैं यहां से क्या करता हूँ 5 हटा के यहां से अगर मैं 9 कर देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 5 हटा के मैंने 9 किया, और अगर अब मैं इसको साइन इन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि क्या हो रहा है, साइनिंग इन टू सैमसंग नॉक्स मैनेजर देख सकते हैं आ रहा है। अब हम लोगों को बस ये देखना है कि क्या ये साइन इन कर जाता है कि नहीं। ये साइन इन अगर कर गया तो आपका स्टार्ट हो जाएगा फोन, और कहाँ पे आएगा ये देखिए, इनरोलिंग करने लगा, बहुत बढ़िया, यानी कि हमारा फोन साइन इन हो गया है। और ये स्टार्ट होके कहाँ आ जाता है, सीधे आएगा आपका वॉलपेपर पे। अगर आप लोगों को अपने फोन का वॉलपेपर बाईपास करना है और आपके पास मतलब आपको कोई भी आइडिया नहीं कि कैसे उस वॉलपेपर को हटाएं या फिर मेरा फोन स्लो है तो कैसे उसको सही करें, तो भाई कुछ ना करो, आई बटन दिख रहा है, आई बटन के ऊपर भाई लिंक फ्लैश हो रही है, तुम लोगों को सिंपल से उस लिंक के ऊपर जाना है और लिंक के ऊपर क्लिक करना है, पूरी योगी वॉलपेपर बाईपास की प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट को देख करके तुम लोग अपने वॉलपेपर को हटा सकते हो। तो यहाँ पे देख पाओगे, मैं इस ये वीडियो बस इतनी ही है, इतने पे वीडियो खत्म है, बट फिर भी मैं तुमको कंप्लीट दिखा दे रहा हूँ कि होता क्या है, एक्चुअल में प्रोसेस इसका क्या है। यहाँ आप देख पाओगे अप्लाइंग डिवाइस पॉलिसी हो रहा है ठीक है, इसके बाद जैसे ये लोग नॉक्स की पॉलिसी को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं पूरी पूरी, और अप्लाई होने के बाद तुम्हारा फोन सेटअप सिस्टम पे आ जाएगा ठीक है।